ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी आईएएस। तो गाइस, मैं दीपक यादव आज आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आर्टिकल को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हम बात करेंगे। पहले मैं आपको एक इस आर्टिकल के पूरे की पूरे इस न्यूज आर्टिकल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल एक्चुअली है किस चीज के बारे में, कि यहाँ पर से अभी क्या हुआ है, चेन्नई से कनेक्ट करा गया है पोर्ट ब्लेयर को। किस चीज से? ऑप्टिकल फाइबर केबल का कनेक्शन यहाँ पे लगाया गया है। जो केबल होती है इंटरनेट की केबल, वो बिछाई गई है, ये जो समुद्र देख रहे हो आप, समुद्र के अंदर ही अंदर यहाँ पर, इसके सी बेड के अंदर यहाँ पर बिछाई गई है और अंडमान को कनेक्ट करा गया है, इस आइलैंड को कनेक्ट किया गया है। अभी तक काफी ज्यादा अच्छा इस तरीके का इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर नहीं था, तो अभी काफी ज्यादा बेस्ट इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम सारी बातें करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, ठीक है, कैसी होती है केबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किस बॉडी ने इसको फंड दिया है, जिस फंड के थ्रू यहाँ पे काम करा गया। ऑब्वियसली बात है, आपको भी पता होगा, अगर ये काम हुआ है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया गया है, ये जो केबल यहाँ से बिछाई गई है, यहाँ तक कनेक्ट करा गया है, तो फिर किसी ने तो पैसा दिया होगा, बिना पैसे के यहाँ पे काम होगा नहीं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं, चेन्नई से कनेक्ट करा गया है, यहां से आप देखोगे केबल बिछाई गई है पानी के अंदर अंदर, यहां पे समुद्र के अंदर अंदर, ये देखोगे रेड लाइन जो है, ये केबल बिछाई गई है पोर्ट ब्लेयर तक। पोर्ट ब्लेयर क्या है? हमारी अंडमान की, अंडमान जो आइलैंड है उसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और फिर पोर्ट ब्लेयर के बाद जो बाकी आइलैंड है हमारे, आप देख सकते होंगे जो बाकी आइलैंड है, लिटिल अंडमान हो गया, कार निकोबार हो गया, ये सारे जो आइलैंड है। तो पोर्ट ब्लेयर के बाद देखो, पोर्ट ब्लेयर तक ये केबल बिछाई गई चेन्नई से लेकर, फिर पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे इन सारे आइलैंड्स को कनेक्ट करा गया, यानी कि यहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा दी गई। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा हाई स्पीड का इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। चेन्नई से जो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर तक करा गया है, वो 400 Gbps यहाँ पे इंटरनेट दिया गया है, और पोर्ट ब्लेयर से यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रहेगी आइलैंड की, बाकी आइलैंड की, यहाँ पर रहेगी 200 Gbps की, ठीक है। ये काफी ज्यादा हाई स्पीड का यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात करी गई है, और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आइलैंड्स के बारे में कवर करना काफी ज्यादा जरूरी है, कि आइलैंड पे यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है और कैसा यहाँ पे आइलैंड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी बातें जानेंगे। और ये आर्टिकल मैं बता दूं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड एक ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसमें 572 लैंड्स हैं, जिसमें से जो 37 लैंड्स हैं, जो 37 आइलैंड है, 572 आइलैंड है, ठीक है, इसमें जिसमें से 37 जो आइलैंड है, याद रखना ध्यान से सुनना, 37 आइलैंड ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं, इनहेबिटेड आइलैंड है वो। और ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है 37 का, ये कहलाता है जंक्चर। जंक्चर किस चीज का? बे ऑफ बंगाल का और अंडमान सी का। यहां पर दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, आपने सुना होगा, अब साथ में अंडमान, मतलब अकेला अंडमान नहीं बोलते होंगे, अंडमान आइलैंड अकेला नहीं बोलते होंगे आप, अंडमान एंड निकोबार ही बोलते होंगे। तो यहाँ पे ये दो आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। और ये आपको आज पता चल जाएगा, ये दोनों अलग अलग आइलैंड है, अंडमान आइलैंड ये पार्टली और निकोबार आइलैंड ये अलग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 150 किलोमीटर का। उसके बाद देखोगे जो अंडमान है, ये नॉर्थ साइड की साइड लैटिट्यूड से नॉर्थ साइड की साइड लोकेटेड है, और निकोबार जो है वो हमारा साउथ साइड की साइड लोकेटेड है, साउथ साइड लोकेटेड है। आप बस इतना ध्यान रखो, अंडमान हमारा नॉर्थ साइड लोकेटेड है और निकोबार साउथ साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हमने काफी सारी चीजें देखी। उसके बाद हम देखें जो अंडमान आइलैंड, ये एक आइलैंड नहीं है, काफी सारे आइलैंड है यहाँ पर, आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा नॉर्थ अंडमान हुआ, मिडिल अंडमान हुआ, लोअर अंडमान हुआ, पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है अंडमान की, उसके बाद लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को याद रखना, इसके बारे में अभी आगे भी बात हुई है, आगे चर्चा हुई है, तो उसके बारे में हम कुछ और बातें करेंगे, तो याद रखना इसके बारे में। ऐसे ही हमारा निकोबार आइलैंड है, निकोबार आइलैंड एक आइलैंड नहीं है, काफी सारे आइलैंड्स यहाँ पर भी है, कैसे 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 आप देख सकते हो, कार निकोबार, इसके बाद तरासा, भोंपा का, कुचली, उसके बाद नॉन कौरी, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सारे आइलैंड्स यहाँ पर एक कंप्राइजेस हैं। और ये दोनों आइलैंड यहाँ पर आपने इसके बारे में डिटेल में समझ लिया होगा, और ढेर सारे आइलैंड से मिलकर यहाँ पर ये बना हुआ है। अब जो ये टेरिटरी कैपिटल है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये जो टोटल लैंड एरिया है आइलैंड का, ये अप्रोक्सीमेटली 8,249 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो ये टेरिटरी है, ये डिवाइड करी गई है थ्री डिस्ट्रिक्ट्स में, तीन डिस्ट्रिक्ट में ये टेरिटरी डिवाइड है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? सबसे पहला हमारा निकोबार डिस्ट्रिक्ट, निकोबार डिस्ट्रिक्ट जिसकी कैपिटल है कार निकोबार। चलो मैं दिखा देता हूं, निकोबार डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप देखोगे
सबसे पहला हमारा ये वाला डिस्ट्रिक्ट है और जिसकी कैपिटल है हमारी कार निकोबार। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये हम देख भी चुके हैं। ये हमारा अंडमान डिस्ट्रिक्ट हो गया है जिसकी यहाँ पे कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एक लास्ट देखते हैं, जो हमारा लास्ट थर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, नॉर्थ और मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट जिसकी कैपिटल है मायाबुंदेर, इसकी कैपिटल है। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ पर कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टेट एनिमल है अंडमान का वो स्टेट एनिमल कौन सा है, वो है हमारा दुगोंग। ये आप स्पेलिंग देख रहे होंगे, डी यू जी ओ एन जी, दुगोंग यहाँ पे ये स्टेट एनिमल है। इसे हम लोग सी काओ भी कहते हैं, जो कि लिटिल अंडमान में पाया जाता है। मैंने आपको कहा था कि लिटिल अंडमान के बारे में ध्यान रखना, लिटिल अंडमान में पाया जाता है और इसकी पिक्चर आप देख सकते हो, सी काओ कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है। तो लिटिल अंडमान कहां पर है फिर से देख लेते हैं, ये हमारा लिटिल अंडमान, यहाँ पर सी काओ यानी दुगोंग पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने इस न्यूज आर्टिकल की जो कि ट्रेंड में है काफी ज्यादा, जो केबल कनेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन है, तो वो यहां से चेन्नई से स्टार्ट करा गया है और ये केबल नदी के अंदर, यहाँ पे नदी कह रहा हूँ, समुद्र के अंदर बिछाया गया है और अंडमान निकोबार आइलैंड तक इसको कनेक्ट करा गया है। फिर से यहाँ पे चीजें देखते हैं, यहाँ पर चेन्नई से कनेक्ट करा गया है और बाकी सारे यहाँ पे आप देखोगे चेन्नई से पहले पोर्ट ब्लेयर तक कनेक्ट करा है, फिर पोर्ट ब्लेयर से बाकी आइलैंड तक यहाँ पे इसको कनेक्शन दिया गया है। अब ये केबल प्रोजेक्ट है क्या, ये सबमरीन केबल प्रोजेक्ट है क्या, ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च करा गया है आइलैंड्स में ताकि इसको आइलैंड को क्या बना दिया जाए, डिजिटली इंडिपेंडेंट। अभी ये डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अभी इसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है केबल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये लोग आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2300 किलोमीटर, यहाँ पर 2300 किलोमीटर का ये केबल जो है लगाया गया है, यानी जो डिस्टेंस है चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक ये 2300 किलोमीटर का, ये एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं बताया गया, ये मोटा मोटा बताया गया, 2300 किलोमीटर का जो केबल है वो बिछाया गया है, जो एक्यूरेट है वो है 2340 किलोमीटर। ओके, 2340 किलोमीटर यहाँ पे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को यहाँ पे क्या करा गया है, बिछाया गया है समुद्र के अंदर अंदर। अब जो ये फाइबर है ये कनेक्ट करता है चेन्नई को और पोर्ट ब्लेयर को, कनेक्ट करेगा भी और कुछ अदर आइलैंड्स हैं जैसे कि स्वराज द्वीप हो गया, याद रखना ये हैवलॉक आइलैंड है, इसको अब स्वराज द्वीप नाम कर दिया गया, स्वराज द्वीप आइलैंड यानी कि हैवलॉक आइलैंड, और बाकी सारे लॉन्ग आइलैंड और एटसेट्रा, काफी सारे आइलैंड को कनेक्ट करेगा। एज यू कैन सी, जैसे चेन्नई से यहाँ से केबल जाएगा पोर्ट ब्लेयर तक और फिर पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे कनेक्ट करेगा बाकी आइलैंड को। ओके, ये यहाँ पर बात कही जा रही है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसको पैसा किसने दिया है, भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, इसको पैसा दिया है किसके द्वारा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के द्वारा यहाँ पे इसको फंड दिया गया है। किसके अंडर यहाँ पे आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में ये बॉडी आती है। देखो ये केबल जो है इस तरीके से यहाँ पर बिछाया गया, जो सबमरीन केबल है ये नदी के अंदर, यहाँ पर आप देखोगे, फिर से मैं नदी बोल रहा हूँ, ये जो समुद्र के अंदर यहाँ पर इस तरीके से जो है सेटअप करा गया है। उसके बाद हम देखें ये करा किसने, ये इतना बड़ा काम, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ किसकी वजह से, ये काम एग्जीक्यूट किसने करा है, ये करा है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने काम किया है, किसके साथ मिलकर, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL के साथ यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर ये काम करा है। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है इसको सक्सेसफुल बनाया है BSNL ने मिलकर, यहाँ पर BSNL की वजह से ये टारगेट हमारा सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद बात करें तो ये सबमरीन कम्युनिकेशन केबल है क्या, प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात करी थी, अब ये केबल है क्या, ये केबल है जो कि सी बेड में बिछाया गया, यानी नदी के, जो हमारा समुद्र है समुद्र के बेड पे बिछाया गया है। ये देखोगे आप इस तरीके से, यहाँ पर ये केबल ऐसे करके यहाँ पर गया है वहां तक, कहां तक, अंडमान तक चेन्नई से। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात करी। उसके बाद जो ऑप्टिकल फाइबर एलिमेंट्स है ये टिपिकली कोटेड करे गए हैं प्लास्टिक लेयर से, साथ ही साथ इसको फिर कंटेन करा गया है एक प्रोटेक्टिव ट्यूब के अंदर, यानी कि इस केबल के बारे में बात करी जा रही है आप, जो इस केबल के अंदर जो यहाँ पर कॉपर वायर होगा या कोई भी वायर होगा इसको पहले प्रोटेक्ट करा गया है किससे, प्लास्टिक लेयर से, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का इस ट्यूब के अंदर डाल दिया गया है। कुल मिलाकर बात यही कही जा रही है कि ये एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी ये ट्यूब है, यानी कि ये चीज के, इस चीज के ऊपर भी ध्यान जाएगा कि एनवायरमेंट के ऊपर यहाँ पर कोई बुरा असर ना पड़े क्योंकि यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल वगैरह हो रहा है। तो ये सारी चीजें पहले ही बता दी गई है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को यहाँ पर जहां जहां केबल को फैलाया गया है, केबल ऐसे ऐसे गया है, यहाँ पर कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब सैटेलाइट से कंपेयर करें, क्योंकि अभी आपको पता होगा अभी तक जो इंटरनेट कनेक्शन था अंडमान में वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करा जा रहा था, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इंटरनेट कनेक्शन होगा केबल्स के थ्रू होगा
और ये मोर रिलायबल होगा, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा रिलायबल होगा, ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि अभी कॉस्ट अगर सैटेलाइट के थ्रू अच्छा कनेक्शन लगाना हो तो सैटेलाइट के थ्रू काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बैठ सकता है, तो यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट और एक बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये केबल को सेटअप करा गया है। उसके बाद इस बॉडी का नाम आया था USOF, ठीक है, जिसने यहाँ पे फंड देकर इसको ये इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करा है। तो ये बॉडी कौन सी है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये एंश्योर करती है कि यहाँ पर क्या करा जाए, एक क्वालिटी एक्सेस करी जाए, कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज में, दोनों में क्वालिटी एक्सेस करी जाए। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके लिए, जो ये बॉडी है ये क्रिएट करी गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन 2002 में इस बॉडी को क्या करा गया, फॉर्म करा गया। ये एक नॉन लैप्सेबल फंड है, यानी कि अनस्पेंट फंड। अनस्पेंट फंड अमाउंट क्या होगा कि देखो कौन सा फंड लगाया है, अभी जैसे कि हमारी यहाँ पर एयरटेल कंपनी ले लो, एयरटेल ले लो, वोडाफोन ले लो, कोई सी भी कंपनी ले लो, आइडिया ले लो, ठीक है। अभी तक क्या था, अभी आप देख रहे होंगे 4-5 साल पहले इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा था, इनका 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था, वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। अभी क्या हो चुका है, अभी इंटरनेट काफी ज्यादा सस्ता हो चुका है, लेकिन जो पहले था उन्होंने खूब दबा के पैसे कमाए कंपनी ने, अब वो पैसे कमाए तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये काम करा गया है। जितने भी क्रेडिट्स हैं इस फंड के, ये पहले जो ये पैसा लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये अप्रूवल को एक सपोर्ट करती है, एक चीज यहाँ पे सपोर्ट करती है। यहाँ पर सपोर्ट किस चीज के थ्रू करा जाता है, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू यहाँ पर इसको सपोर्ट करा जाता है। नाउ अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सबसे पहले होने वाला है गवर्नेंस, अगर एक बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी इस रीजन में तो ऑब्वियसली बात है एक गवर्नेंस भी काफी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, ई गवर्नेंस रहेगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली जो है पहुंच जाएगा। जो सर्विसेज हैं जैसे कि टेलीमेडिसिन हो गया और ई एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर अब हो जाएंगी, ठीक है। टेलीमेडिसिन यानी कि आपको पता ही होगा जो मेडिसिन इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती रहेगी अब इंडिया से और यहाँ पर अंडमान तक, ठीक है। ई एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड कर जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये एक पार्ट भी माना जा रहा है, ये डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव था उसका भी एक पार्ट आप कह सकते हो। उसके बाद जो ये रीजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें, गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंट इंडिया में, ठीक है, जो कि हमारा आत्मनिर्भर भारत है, इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये प्रोजेक्ट। नाउ एक और बेनिफिट क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ई कॉमर्स भी यहाँ पे लागू हो जाएगा। ई कॉमर्स भी अगर नेट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस वगैरह भी लोग बढ़ाना सीख जाएंगे, उसे एनहेंस करना सीख जाएंगे। और दूसरी चीज क्या होने वाली है, जो इंटरनेट कॉस्ट है वो नीचे आने वाली है, यानी इंटरनेट कॉस्ट अभी तक जो महंगी थी वो कम होने वाली है, पैसे घटने वाले हैं, तो यहाँ पर एक टूरिज्म को बूस्टअप मिल जाएगा, टूरिज्म जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, इंटरनेट महंगा है, इंटरनेट बहुत कमी से मिलता है, इंटरनेट स्पीड लो है वहां पर, तो क्या होगा, कोई जैसे कि हम हैं, आप है, अगर कोई वहां पर जाएगा तो पसंद नहीं करेगा इतना ज्यादा रुकना, ठीक है, पहली बात जाएगा ही नहीं क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं। और आज का टाइम पे ऐसा है कि हमें मोबाइल की तो का यार सख्त जरूरत है, तो ये टूरिज्म को अभी यहाँ पे बूस्टअप कर देगा क्योंकि अब यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे आराम से 3-4 दिन रह के आएंगे, फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे, अपलोड करनी होती है, तो ये सारी चीजें आराम से चीजें हो जाएंगी। किसी को बिजनेस के थ्रू यहाँ पे बिजनेस के लिए कोई काम करना है तो उसे अगर अंडमान जाना है ट्रिप पर, टूरिज्म पर, तो वो आराम से जा सकता है अपने इंटरनेट के थ्रू, अब ये सारे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, लोकल इकोनॉमी को ग्रो करने वाली है, यानी बेनिफिट्स ऑब्वियसली बातें मिलने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा एक हटके बेनिफिट मिलने वाला है कि अभी यहाँ पर बात ये भी करी जा रही है ट्रांसशिपमेंट हब, एक पोर्ट बनाने की बात करी जा रही है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है, अभी मैं आपको बता दूं, देखो जो अंडमान आइलैंड है यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी ऑल ओवर दी एरिया यहाँ पर आप देखोगे काफी ज्यादा अच्छी है, इंडिया से कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, इंडिया के बाद कोलकाता से कनेक्ट हो सकता है, म्यांमार, थाईलैंड, पुकेत, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सभी जगह यहाँ पे अच्छी तरीके से ये कनेक्ट हो सकता है ये अंडमान, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, यानी एक पोर्ट बना दिया, पोर्ट बनाने की बात करी जा रही है यहाँ पर, जो कि 4-5 साल बाद यहाँ पर 4-5 साल के अंदर अंदर यहाँ पे ये काम कराने को बात करी जा रही है। पोर्ट बनाने की बात करी जाएगी, आप मान लो जैसे कि ओमान से कोई शिप आ रहा है, कोई कार्गो भर के शिप आ रहा है, ओमान से उसे जाना है, उस शिप को, उस जहाज को जाना है म्यांमार या थाईलैंड, कहीं भी जाना हो, तो अब यहाँ पे इतना लंबा सफर ये नॉन स्टॉप जाएगा क्या, तो फिर क्या करना होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पे पोर्ट बन जाएगा तो वो आराम से यहाँ पे आएगा और इस पोर्ट पे रुक जाएगा वो शिप, उसके बाद उसमें फ्यूल वगैरह डालना हो तो रिफ्यूलिंग हो जाएगी, रिपेयरमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कतें आ रही होंगी वो दिक्कतें सही हो जाएंगी।
तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चार्ज पे कर सकते हैं, कुछ पैसा ले सकता हूं उन लोगों से। तो इसकी वजह से भी क्या होगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी के अब इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है असर पड़ेगा और यहाँ पे इसको भी बूस्टअप एक मिलेगा, यानी इकोनॉमी भी ग्रो होने वाली है हमारे इस प्रोजेक्ट से। तो गाइस आई होप आपको ये आर्टिकल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो गाइस डू लाइक दी वीडियो, यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।